और बी से पैदा हुआ y
सेम ही है। कहने का मतलब, कहने का मतलब बच्चा मानो ये लड़का ये लड़का ये लड़का यहां पे भी दोनों भाई हैं, रिलेशनशिप को अंदर लगाइए, यहां पे भी दोनों भाई हैं, रिलेशनशिप को अंदर लगाइए, है ना। तो हमारे जो सक्सेशन के रूल्स हैं वो तो ऐसे इस्तेमाल नहीं करते, बिफोर ब्लड भाई, आफ्टर भाई, ऐसा बोलते नहीं, उसे बोलते हैं ब्रदर सिस्टर। अब ब्रदर सिस्टर में तो ये भी आता है, ये भी आता है ना, बिल्कुल आता है। कैसे करूंगा? तो जब भी ऐसा स्थिति होगा कि दो लोगों से रिश्ता वही है, रिश्ता वही है, पर रिश्ते का जो आधार है वो अलग अलग, मतलब मानो ए और बी है, इनके दो बच्चे हैं एक्स और वाई, ठीक है। फिर क्या हुआ, बी जो है उसका एक और आदमी के साथ बच्चा है, मानो डी के साथ, और वहां पे जेड है, मानो ए और बी है, इनके दो बच्चे हैं एक्स और वाई, ठीक है, पापा भी सेम है, मम्मी भी सेम है। अब ऐसा सिचुएशन हो गया कि पापा सेम है और मम्मी बदल जाए, तो क्या हुआ, मानो ये बच्चा है जेड, मतलब ऐसी स्थिति है कि इन दोनों के पापा दोनों सेम है, तो एक्स और वाई तो सगे भाई है, और यहां पर जहां तक रिश्ता जेड से है, पापा तो सेम है, जेड के पापा है, एक्स और वाई के पापा है, पर जेड की मम्मी सी है, इनकी मम्मी नहीं है, तो जेड वाले का बोलने को जेड भाई है, रिश्ता तो भाई है, ये इससे भैया बोलेगा, इससे भैया बोलेगा, रिलेशनशिप तो ब्रदर का ही है, ऐसे तो मानो ब्रदर नेक्स्ट। पर हमेशा सक्सेशन कानून के अंदर अगर कभी ऐसी सिचुएशन आई कि हमको चुनना पड़ेगा एक ऐसे भाई में से और एक ऐसे भाई में से जो कि एक सगा भाई है और एक सौतेला भाई है, एक फुल ब्लड भाई है, एक हाफ ब्लड भाई है, तो हमेशा प्रेफरेंस सगे भाई को ही दी जाए, ठीक है। ये रूल है, पर हमेशा याद रखना, ऐसा रूल है कि मतलब एवरी कॉन्टेक्स्ट अप्लाई हो, ये तभी अप्लाई होगा जब सिचुएशन ऐसी है कि प्रेफरेंस देने की जरूरत पड़े, ठीक है। दिस इज सेक्शन 18, फुल ब्लड इज ऑलवेज ऑलवेज प्रेफर्ड टू हाफ ब्लड, अगर प्रेफरेंस देने की बात आती है तो। अब देखो सेक्शन 19, अब ये सेक्शन 19 है ना बच्चे, ये बात दो समझा के जाएगा आपको, और ये दोनों ही बातें आपको पहले से पता है, बस यही है कि उसको कानूनी कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना है, कैसे, क्योंकि हमें आंसर में वो शब्द लिखने को चाहिए ना, एग्जाम में कोई प्रश्न करना है। तो हमारा सेक्शन 19 है वो मोड बता रहा है सक्सेशन का, जब दो या दो से ज्यादा उत्तराधिकारी, दो या दो से ज्यादा व्यास के मोड में, तो कैसे सक्सेशन होगा? अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि दो या दो से ज्यादा उत्तराधिकारी किसी प्रॉपर्टी को सक्सीड कर रहे हैं किसी इंटरस्टेट की, तो वो आमतौर पर जो उस प्रॉपर्टी में हिस्सा लेंगे वो पर कैपिटा के आधार पर लेंगे। अगर कुछ लिखा नहीं है, केवल इतना बोला है कि इस प्रॉपर्टी में इन सारे उत्तराधिकारियों का हक होगा, तो आपस में वो जो प्रॉपर्टी शेयर करेंगे वो पर कैपिटा के आधार पर करेंगे, मतलब बता सुन लो। पर अगर कहीं पर अगर लिखा हुआ है कि पर कैपिटा के आधार पर नहीं दिया जाएगा बल्कि पर स्लाइस पर दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो प्रॉपर्टी दी जाएगी, प्रॉपर्टी को शेयर किया जाएगा वो पर कैपिटा के आधार पर नहीं, पर स्लाइस के आधार पर डिवीजन होगा प्रॉपर्टी का। समझे इस बात? मतलब मानो कोई हमारा अच्छी मिल पड़ा है, एग्जाम्पल लेते हैं, मानो हिंदू वोमेन की डेथ, ठीक है, और हिंदू वोमेन की डेथ हुई है, उसके तीन बच्चे हैं और एक उसका हस्बैंड है, ठीक है, सन वन बड़ा बेटा, सन टू छोटा बेटा, और हमारी डॉटर, और एक हमारे हस्बैंड की। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर अगर हिंदू महिला की मृत्यु होती है जो किसी इंडस्ट्री प्रॉपर्टी या सक्सेशन होगा इन लोगों के बीच में, वो पर कैपिटा के आधार पर, पर कैपिटा मतलब इन सबको बराबर का हिस्सा मिले, एक चौथाई, एक चौथाई, एक चौथाई, एक चौथाई, ठीक है, कोई परेशान, ठीक है, इसको बोलते हैं पर कैपिटा, जहां पर एक से ज्यादा रियाज है, एक से ज्यादा उत्तराधिकारी है, और सब बराबर बराबर इसी को शेयर कर रहे हैं। फिर आते दूसरी सिचुएशन, मानो हिंदू महिला है, उसका बड़ा बेटा है, छोटा बेटा जो है उसकी मृत्यु होती है, डॉटर है, हस्बैंड है, और उसका छोटा बेटा है इसकी मृत्यु हो चुकी है, उसका सन है, उसका डॉटर है, तो यहाँ पर जो सक्सेशन होगा हिंदू महिला की प्रॉपर्टी पर, जहाँ तक इन लोगों की बात है, बड़े बेटे की, बेटी की और हस्बैंड की, इन तीनों के बीच में प्रॉपर्टी का डिवीजन है, वो पर कैपिटा के आधार पर होगा, ठीक है। पर इन दोनों लोगों के बीच में कोई मिलेगा इतिहास है, ये जो ये दोनों हैं इनको इस प्रॉपर्टी में हिस्सा, इस वोमेन की प्रॉपर्टी में हिस्सा पर कैपिटा के आधार पर नहीं, पर स्ट्राइक के आधार पर, मतलब इनका जो हिस्सा होगा वो इनके बराबर नहीं होगा, इनका जो हिस्सा होगा मिलाकर पूरी स्ट्राइक का हिस्सा मिलाकर, चाहे दो हो चाहे तीन हो चाहे चार हो, इस पूरी स्ट्राइक को मिलाकर एक हिस्सा इन बाकी लोगों के बराबर होगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका जो पर कैपिटा हिस्सा इनको फादर को मिलता है वो जीवित थे, क्योंकि वो जीवित नहीं है तो उनका पर कैपिटा का हिस्सा पर स्ट्राइक के आधार पर इनके बच्चों को डिवाइड हो रहा है, इनके बच्चों को मिल रहा है। कहने का मतलब है जब एक हिस्सा कुछ एआर आपस में शेयर करते हैं उसको बोलते हैं पर स्ट्राइक पर, और जब कुछ एआर को एक अपना पूरा हिस्सा मिलता है उसको बोलते हैं पर कैपिटा का। तो हमारा सेक्शन 19 का पहला काम ये कहता है कि आमतौर पर जब तक ऐसा लिखा ना हो आप एआर के बीच में भेदभाव नहीं करेंगे और सबको पर कैपिटा के आधार पर प्रॉपर्टी लेंगे, तो सबको बराबर रखेंगे। पर अगर ऐसा लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को किसी एआर को पर कैपिटा के आधार पर नहीं बल्कि स्ट्राइक के आधार पर दी जानी है, तो उस व्यक्ति को पर स्ट्राइक के आधार पर प्रॉपर्टी मिलेगी, ये पहला काम है। फिर आते हैं दूसरे रूल में, दूसरा रूल ये कहता है कोई भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी अगर एक से ज्यादा एआर को मिल गई है तो वो उस प्रॉपर्टी को शेयर करेंगे टीनेंट्स इन कॉमन की तरह, ना कि जॉइंट टीनेंट्स की तरह। मतलब टीनेंट्स इन कॉमन और जॉइंट टीनेंट्स में फर्क क्या है, पहले इस बात को समझो। मानो एक ये पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, और ये कोई एक्स व्यक्ति है, ठीक है, और उसकी मृत्यु हो गई है और उसकी प्रॉपर्टी का सक्सेशन हो रहा है, ठीक है, आसान मान दो ही आसान से, ठीक है, एक है वाई एक है जेड, एक ही जमीन की दो ही आते हैं, इन दोनों को ये जमीन मिली, तो ये जो जमीन इनको मिली है सक्सेशन में, इस प्रॉपर्टी को ये लोग शेयर करेंगे कैसे, टीनेंट्स इन कॉमन की तरह। टीनेंट्स इन कॉमन मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर दोनों व्यक्तियों का उस प्रॉपर्टी के हर एक हिस्से पे हक होगा, मतलब ये वाला व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरा तो मेरी सीधी हाथ वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी और ये वाला ये नहीं कह सकता कि मेरी उल्टे हाथ पे, इसका भी हक है यहां पर भी, 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 इसका भी हक है यहां पर भी, 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 यहां पर
हुई है 1 जनवरी 2022 में, ठीक है। भाई ये जो प्रेग्नेंट है इसने मानो लड़की को जन्म दिया, लड़की को जन्म दिया इसने मानो 1 फरवरी को दिया, 1 फरवरी 2022 को दिया डॉटर जन्मी। तो ये जो डॉटर है जो पेट में थी भाई के उस समय पर जब एक्स की मृत्यु हुई थी, मतलब 1 जनवरी को, ऑब्वियसली 1 फरवरी को पैदा हुई है तो 1 जनवरी को पेट में हुई होगी। तो ये जो डॉटर है उसका भी पूरा हक है अपने मरे हुए पिता की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का। तो वो जो प्रॉपर्टी है जो एक्स का सक्सेशन होगा वो इन बेटों में ना बटकर केवल इन बेटों के साथ साथ उस बेटी को मिलेगा। तो यहाँ पर बस दो चीजें का ध्यान रखना है, दो चीजें ये कि मृत्यु के समय वो बच्चा पेट में होना चाहिए, प्रेगनेंट होना, ऐसा नहीं है कि डेथ हो गई फिर बाद में प्रेगनेंट हो गया। बात थोड़ा सा एक्सीडेंट में थोड़ा बहुत खराब हो जाएगा वो, पर मैं बता रहा हूं कि जैसे जो समय पे प्रेगनेंट नहीं थे बाद में कल दूसरी मैरिज करके प्रेगनेंट हो गए, सब कवर। एक पेट में होना चाहिए और रिलेवेंट क्या होना चाहिए जिस दिन डेथ हुई है, और दूसरी कंडीशन ये है कि आप जिंदा पैदा होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी फेल हो गई कोई और दिक्कत आ गई तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पेट में होना उस समय पे जैसे मृत्यु हुई है और बाद में सक्सेस हुई डिलीवरी होना, जीवित पैदा होना, अगर ऐसा है तो बच्चे का भी पूरा रहता है। पर वो प्रॉपर्टी
मैं ये वाला